ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, राजा बैन हुए। राजा बैन बहुत पाखंडी राजा थे। अपने राज्य में जितने भी मंदिर थे, उन्होंने उन मंदिरों में से जो मूर्तियां थी, उन मूर्तियों को हटाकर अपनी मूर्ति लगवा दी थी। और ऐसा नहीं लगाकर वे कोई जवाब नहीं दे रहे थे कि मेरा जो मन नहीं, वो तर्क देते थे इसका। वो तर्क देते थे कि शास्त्रों में लिखा गया है कि एक राजा के अंदर 6 देवता निवास करते हैं, उस हिसाब से मैं ही भगवान हूं, तो मेरी पूजा करो। प्रजा परेशान हो जाती है। प्रजा ऋषि गणों के पास जाती है। ऋषि गण राजा के पास आते हैं, उन्हें प्यार से, प्रेम से, ज्ञान से, हर तरीके से समझाते हैं। राजा नहीं मानते, उनका निरादर करते हैं। क्रोध में आकर ऋषिगण राजा को श्राप से भस्म कर देते हैं। भस्म कर देते हैं तो राज सिंहासन खाली हो गया। क्या किया जाए? ऋषिगणों ने कहा, आप कहो तो हम भगवान को ही बुला लेते हैं। अच्छी बात है, तो एक उस भस्म को राख जो है, भस्म हो जाते हैं, जो राख बचती है उस राख को दूध में डाला जाता है, मंथन किया जाता है। मंथन करते 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 उसमें से एक कौवा बाहर निकलता है। प्रजा ने पूछा, ये कौन है? तो बोले, ये राजा के पाप थे जो उड़ गए। फिर मंथन किया जाता है। मंथन करते 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 साक्षात भगवान विष्णु राजा पृथु के रूप में वहां पर प्रकट होते हैं। तो महाराज, वे कई वर्षों तक वे राजकाज संभालते हैं। राजा पृथु के कई पुत्र हुए। आगे जाकर वंश आगे बढ़ता है, उसमें राजा भरत होते हैं। राजा भरत प्रजा का पालन बड़ी सूझबूझ से करते हैं, कई वर्षों तक पालन करते हैं। उसके बाद वन की ओर चले जाते हैं अपने पुत्रों को राज सिंहासन देकर। अब वे वन में रहते, पूजा पाठ करते, साधारण सा जीवन जीते। एक दिन वे नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान कर रहे थे तो नदी के एक किनारे पर मृगों का समूह था। मृग यानी हिरण, मृगों का समूह था। उसमें एक गर्भवती मृग मादा थी। अचानक से सिंह की गर्जना होती है। गर्जना से सब डर जाते हैं, तो जितने वो मृग थे वहां, वो सब छलांग लगाकर नदी के दूसरी ओर आने लगते हैं। तो उस मृग मादा ने भी छलांग लगाई। छलांग लगाई तो उसके गर्भ से बालक नीचे गिर गया। अब उस मृग मादा की तो मृत्यु हो जाती है। उस बालक को, क्योंकि भरत जी नदी में स्नान कर रहे थे, वो नदी में गिरता है, भरत जी उसे पकड़ लेते हैं, अपने साथ लेकर अपनी कुटिया आ जाते हैं। अब वे दिन भर उसके साथ रहते। अब देखिए, मनुष्यों का स्वभाव होता है, अगर आप किसी के साथ 24 घंटा रह रहे हैं तो उसमें मोह पड़ जाना स्वाभाविक है, उससे प्रेम हो ही जाता है। तो 24 घंटा भरत जी उस मृग बालक के साथ रहते, भोजन उसके साथ कर रहे हैं, स्नान उसके साथ कर रहे हैं, पूजा उसके साथ कर रहे हैं, उसे हर वक्त अपने पास रखते। अब एक दिन वे पूजा की तैयारी कर रहे थे, वो मृग बालक कुटिया के बाहर खेल रहा था। अचानक से वहां मृगों का समूह आया, अपने जैसों को देखकर वो उनके साथ चला गया। अब भरत जी तुरंत बाहर आते हैं, पूजा की तैयारी हो गई थी उसे अंदर लेने को, वो गायब है। हर जगह ढूंढ रहे हैं, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहीं नहीं मिल रहा। दुखी हो जाते हैं। समय बीतता है, अंत समय आता है। अंत समय में भी उनके मुख में केवल एक ही नाम, मेरा मृग बालक कहां गया। अब कहते हैं महाराज, अंत समय में जिसका नाम मुख से लो वही योनि प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं भगवान का नाम लेना चाहिए कि इन योनियों के चक्कर से बाहर हो जाए, भगवान के धाम चले जाए।
तो उन्होंने मृग बालक का नाम लिया, उन्हें मृग योनि ही प्राप्त हुई। पर क्योंकि अपने राज्य काल में उन्होंने इतने पुण्य किए थे कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई, उन्हें सब कुछ याद था, तब उन्हें एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। एक मृग के प्रेम में इतना पड़ गया कि अंत समय में वे उसका नाम ले रहा था। प्रायश्चित करने के लिए वो मृग योनि में भी मन ही मन भगवान का जाप करते, सही समय पर उठ जाते, स्नान करते, तो दूसरी योनि उन्हें मनुष्य योनि प्राप्त हुई। एक ब्राह्मण के घर में उन्होंने जन्म लिया। ब्राह्मण की दो स्त्रियां थी, एक स्त्री से कुछ बालक हुए थे, एक स्त्री से एक बालक और एक कन्या। वो एक बालक भरत जी थे। संयोग से उनका इस जन्म में भी नाम भरत ही पड़ा। कुछ समय बाद ब्राह्मण तो भगवान के धाम चले जाते हैं। अब भाइयों ने विचार किया कि इसे ज्यादा अगर पढ़ाएंगे तो ये आगे जाकर दिक्कत करेगा। पढ़ाई से क्या होता है, हमारा समझ आती है, सही गलत के बारे में हमें समझ हो जाती है। समझ नहीं रहती तो हम दूसरों के बोले बोले करते हैं, खुद की समझ नहीं होती हमें। शिक्षा बहुत जरूरी है। तो भाइयों ने विचार किया कि आगे जाके ये पैसों में भी दिक्कत करे, अपना हिस्सा मांगे हमसे, इसे अनपढ़ ही रहने देते। भरत जी को पढ़ाया नहीं गया, घर के काम काज कराते थे। भरत जी भी चुपचाप सब कर देते, उन्हें बस अपना जीवन निकालना था। अब घर वाले कराते सो कराते गांव वाले भी कराने लगे, भरत जरा ये कर देना, जरा बाहर से बाजार से ये ले जाना, जरा ये नीचे उतार देना, ये सामान ऊपर रख देना, जरा गाड़ी बुलवा देना, जरा ये करना, सारे काम करवा देते। भाइयों ने विचार किया, हम कराते सो कराते घर वाले हैं, ये गांव वाले तो बिना कुछ पैसे दिए ही कराते, पैसे दे तो हमारे भी कुछ फायदा हो। तो उनकी शादी हो चुकी थी, पत्नियों ने कहा एक काम करते हैं, गांव के बाहर जो खेत है इसे वहां भेज देते हैं, ये खेत की रखवाली करो। भाइयों ने कहा कि रोज रोज भोजन कौन पहुंचाएगा गांव के बाहर, बोले एक दो दिन पहुंचाएंगे फिर बंद कर देंगे, अपने आप कोई ना कोई इंतजाम कर लेगा, अच्छी बात है। बड़े प्यार से उन्हें बुलाया गया। भरत, अब पिताजी नहीं है तो उनके सारे काम को हमें ही देखना है, तो हम गांव के अंदर के जो कार्य है, दुकानें हैं वो हम देखते हैं, गांव के बाहर जो खेत है उसकी रखवाली तुम कर लो। भरत जी ने कहा अच्छी बात है, बोले हम भोजन रोजाना तुम्हें पहुंचा दिया करेंगे, तुम वहीं रहना। ठीक है, भरत जी चले जाते हैं। एक दो दिन तो भोजन आता है, फिर वो भी आना बंद हो जाता है। कई दिन हो गए हैं उन्होंने कुछ नहीं खाया, बहुत भूखे हैं। अब उस खेत के पास एक प्राचीन माता भद्रकाली का मंदिर था। ऐसी अफवाह उड़कर रखी थी कि उस मंदिर में जो किसी की बलि चढ़ा दे उसे माता मुंह मांगा वरदान देती है। अब ये बात एक डाकुओं के गिरोह ने सुन लिया था, अलग गांव में रहते थे, अफवाह उड़ते उड़ते वहां गई, उन्हें पता चलता है, वो उस मंदिर पर पहुंचते हैं। डाकू के सरदार ने कहा देखो आसपास कोई बैठा होगा उसकी बलि चढ़ा देंगे, और बलि चढ़ाकर माता से इतना धन मांग लेंगे कि कभी फिर डकैती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो उनके गिरोह में जो कुछ लोग थे वो आगे जाकर देखते हैं तो भरत जी मिलते हैं। भरत जी को लाया जाता है। अब वो कहते हैं ना कि बलि से पहले बहुत स्वागत होता है, भोजन कराया जाता है, अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, क्या कहते हैं उसे, जब कोई दुश्मन आपकी बहुत प्रशंसा करता है तो उसे मजाक में क्या कहा जाता है, बलि का अचानक से कोई अगर इतना प्रेम दिखाने लग जाए तो एक बार सावधान हो जाना। एक बिल्ली जब वार करती है वो पीछे हटती है पहले, फिर छलांग लगाती है, वो आगे बढ़कर छलांग नहीं लगाती, वो पहले पीछे हटती है फिर छलांग लगाती है। तो एक अगर कोई दुश्मन है तो वो
तुरंत से बदला नहीं लेता, वो थोड़ा मीठा बनता है पहले। तो अगर कोई जरूरत से ज्यादा मीठा बन जाए तो एक बार के लिए सावधान हो जाना। अब भरत जी को बुलाया जाता है, अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, भोजन कराया जाता है। वो इतने दिनों से भूखे हैं कि वो भोजन मिलते ही दोनों हाथों से खाने लगते हैं। जब तृप्त हो जाते हैं, पेट भर जाता है, तब एक डाकू को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं, आज कोई उत्सव वगैरह है क्या? मुझे इतना अच्छा भोजन दिया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं। डाकू ने कहा, नहीं, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी ने कहा, तब तो तुम रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो, मैं यहाँ बगल के खेत में ही रहता हूँ, बस उसके बदले मुझे भोजन दे दिया करो। डाकू ने कहा, कैसा मूर्ख है, इसे बलि का मतलब भी नहीं पता। अब महाराज यहाँ पर उन्होंने सोचा कि चलो और अच्छा है, ये दिक्कत भी नहीं करेगा, इसे कैसे भी बुद्धू बनाकर बलि चढ़ा देंगे। तो उन्हें फिर कहा जाता है कि देखो अब हम मंदिर जाएंगे और मंदिर में माता हमें दर्शन देगी, तो तुम आंखें बंद कर सिर झुकाकर माता के दर पर बैठ जाओ, वो देखना दर्शन देने आएगी। भरत जी मान जाते हैं, हाथ जोड़कर आंखें बंद कर सिर झुकाकर बैठ जाते हैं। वो सिरदार तलवार निकालता है, मार नहीं लगता है कि वहां साक्षात मां भद्रकाली प्रकट हो, भक्त की रक्षा करने के लिए उनका युद्ध होता है उन डाकुओं से। तो महाराज इस प्रकार मां भद्रकाली भरत जी की रक्षा करती है, उनके सर पर हाथ रखती है और हाथ रखते ही मां सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश कर जाती है। अब ऐसा नहीं है कि वो ज्ञानी हो गए, ज्ञान मिल गया, ज्ञान प्राप्त हो गया तो वापस अपने घर आ रहे हैं या अपना हिस्सा मांग रहे हैं, नहीं, अब वो वहीं रहते बची कुची जिंदगी निकाल रहे हैं कि बस जल्द से जल्द भगवान की प्राप्ति हो जाए। अब एक बार उसी रास्ते से राजा रहुगुण अपने गुरु कपिल मुनि से मिलने जा रहे थे। अब पहले राजा तो पालकी में जाते थे, तो पालकी को चार जन उठाते हैं, है कि नहीं? तो उसमें से एक जन की तबीयत बीच में खराब हो जाती है उसी रास्ते में। तो राजा ने कहा, देखो आसपास कोई बैठा होगा, उसे कह दो कि वो पालकी उठा ले, हम उसे जितना धन कहेगा उतना दे देंगे। अच्छी बात है। राजा भरत जी मिलते हैं, भरत जी से पूछा जाता है, भरत जी कहते हैं, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं पालकी उठाने को तैयार हूं। पालकी उठाकर वो चल रहे हैं। अब जब से भरत जी ने पालकी उठाई है, बार बार राजा को पालकी के ऊपरी हिस्से से चोट लग रही है। अब कुछ देर तो राजा शांत रहते हैं, फिर एक बार पालकी नीचे उतार कर सेवक से पूछते हैं कि ऐसे कौन चल रहा है, मुझे चोट लग रही है बार बार। सेवक ने कहा, महाराज ये जो नया आदमी आया है ना, हमें तो ये पागल लगता है। बोले, क्यों? बोले, पता नहीं, अजीब है, कभी रोने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी आगे कूद जाए, कभी पीछे हो जाए, कभी बाजू हट जाए, इसीलिए चोट लग रही है। राजा कहते, ठीक है, कुछ देर और देखते हैं। अब महाराज भरत जी ऐसा क्यों कर रहे थे? भरत जी की उम्र काफी हो गई थी, अंत समय उन्हें लग रहा था कि अब ज्यादा दूर नहीं है, तो वो नहीं चाहते थे कि उनसे कोई भी पाप हो। अब वो रास्ते में चल रहे हैं, नीचे कई जीव जंतु आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, तो उन्हें बचाने के लिए वो कभी आगे कूद जाए, कभी पीछे हो जाए, कभी बाजू हट जाए। अब मान लीजिए इन चीजों में, इस प्रयासों में अगर कोई बच जाता है तो बड़े प्रसन्न होते, वो हंसने लग जाते। कभी भूले भटके से किसी पर पांव पड़ ही जाए तो वो रोने लग जाते। तो महाराज, अब राजा ये बात समझ नहीं पा रहे थे, फिर थोड़ी देर इंतजार करते, फिर उन्हें पालकी की चोट लग रही है। फिर राजा ने क्रोध में आकर कहा कि तुम किस तरह चल रहे हो, मुझे चोट लग रही है, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूं। भरत जी ने कहा, किस बात का दंड? मैं आपका सेवक नहीं, आप मेरे राजा नहीं। अब महाराज, हम जिस
राज्य में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश का जो राजा है वो हमारा राजा है। किसी और देश में जाते वहां के राजा हमारे राजा नहीं है। तो महाराज उन्होंने ने कहा कि मैं आपका सेवक नहीं, आप मेरे राजा नहीं। आपने मुझे आज तक कुछ दिया नहीं, मैंने आपसे कुछ लिया नहीं, हमारा किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं। कुछ खून के रिश्ते होते हैं, कुछ प्रेम के रिश्ते होते हैं, कुछ धन के रिश्ते होते हैं। मान लीजिए हमने किसी से अगर पैसा लिया है तो हम ऐसे ही थोड़ा दबके रहते हैं कि भाई वो थोड़ी सहूलियत दे दे, समय दे दे, तो संभल के चलो, मीठा मीठा बोलो, वो जो कहे मान लो। तो भरत जी ने कहा हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं, तो आप किस हक से मुझे दंड दे सकते हैं? अब महाराज देखिए, राजा हो या ना हो, हम अपने अनुभव की बात बताते हैं। अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसका व्यक्तित्व हमें बहुत बड़ा लग रहा है, हमें दिखने से ही समझ में आ रहा है ये कोई बड़ा व्यक्ति है, धनवान है, पहचान है, पद है, तो हम उससे सोच समझ के बात करते हैं, है कि नहीं? जैसे अपने घर वालों से करते हैं वैसा नहीं करते हम, या वो कभी कुछ कह भी दे थोड़ा सुन लेते हैं कि भाई क्या पता कुछ कर दे, है कि नहीं? लेकिन वो व्यक्ति तभी करता है जो संसार में लिप्त होता है, जिसे आगे जाकर हो सकता है इससे काम पड़ जाए, तो हाँ जी हाँ जी करो। लेकिन जो संसार में लिप्त नहीं है, जिन्हें इनसे कोई लेना देना नहीं है, वो बेझिझक अपनी बात कहता है, सही हो या गलत हो। तो राजा की वेशभूषा तो थी ही, राजा समझ गए कि मुझे देखने के बावजूद जो ऐसी बात कर रहा है वो कोई साधारण सा मनुष्य नहीं है। राजा उनसे माफी मांगते हैं, कई बातें होती है उनके बीच, राजा कई प्रश्न करते हैं, ज्ञान की बातें, ज्ञान की चर्चा होती है। अंत में भरत जी उनसे कहते हैं कि राजन आप गुरु से मिलने जा रहे हैं, गुरु से जब भी मिलने जाओ दीन बनकर जाओ, ऐसे बनकर जाओ कि हमें कुछ नहीं आता, वहां अपना ऐश्वर्य मत दिखाओ, आप पैदल जाइए, आप सेवकों के साथ पालकी में बैठकर अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं उन्हें, वो शायद नाराज हो सकते हैं आपसे, या वो शिक्षा आपको ना दे वो। महाराज हम जब पढ़ते हैं, अगर हम सारे उत्तर देते जाएंगे, बोलते जाएंगे, तो वो शिक्षक हमें उस तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, वो सोचेंगे इसे तो आता है, इसे क्या सिखाऊं मैं। और अगर हम ऐसे बनकर जाएंगे कि हमें कुछ नहीं आता, तो हमें सब कुछ सिखाएंगे, छोटी से छोटी चीज से बड़ी से बड़ी चीज सिखाएंगे, तो उनके सामने दीन बनकर जाइए, आप पैदल जाइए। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।